अभिमान लो वचन हमारा, होगा नहीं तो नुकसान तुम्हारा। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव हमारे हित गुरुदेव जी, धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पतियाय नहीं, भटक फिरे भव को। दूर से ही पेड़ को देखो, जिसमें फल लगे रहते हैं तो उसकी डाल झुकी हुई रहती है। ऐसे ही भजनानंदी होते हैं। भजनानंदी के चेहरे मोहरे को, उनके बातों को, उनके विचार भावनाओं को जान करके पता चल जाता है कि ये कहाँ तक का पहुँचा हुआ है, क्योंकि ये दिखावे का नहीं होता है और न दिखावे का वो काम करता है। जो साधक होगा पहले तो अपनी साधना पूरी करेगा, फिर उसके बाद में अन्य समझो कि उसके आचार विचार आहार व्यवहार बदलेंगे, अपने को बचाएगा। किससे बचाएगा? दुनिया के लोगों से बचाएगा, मान सम्मान से बचेगा, गलत खान पान से बचेगा, दूसरों के अन्न से बचेगा जो साधक होगा। तो साधक की तो अलग पहचान हो जाती है। साधक की पहचान हो गई लोगों को, बोले भाई ये तो आने जाने लग गया। तो बहुत से लोग जो नज़दीक में थे गुरु जी के, उनमें से कुछ लोगों को अंदर अंदर जलन पैदा हुई, अंदर अंदर उनको यानी समझो कि उससे एक तरह से जलन पैदा हुई। जलन किसको कहते हैं कि देखो ये हमसे आगे निकल गया किसी भी मामले, तो उसको लोग नहीं पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि कम से कम चलो भाई हम नहीं जा पा रहे हैं तो ये जा तो रहा है, ये कर तो रहा है। ये तो आप ये समझो ब्रह्म कि एक दिन ऐसे लोग जो थे उन लोग ने गुरु महाराज से कह ही दिया, इकट्ठा होकर गए और बोले गुरु जी आप हम लोगों के ऊपर दया नहीं करते हो। क्योंकि जितने भी संतों ने कहा, जितने भी आए, सब लोगों ने यही कहा कि गुरु की दया लेना बहुत ज़रूरी होता है और संत मत में गुरु की मदद की ज़रूरत होती है। गुरु के बगैर आगे कोई बढ़ नहीं सकता है, चढ़ाई नहीं कर सकता है, लेकिन गुरु को रिझाना मुश्किल होता है। ज़बरदस्ती गुरु से कोई चीज़ नहीं ले सकता है, किसी से भी कोई ज़बरदस्ती नहीं ले सकता है, लेकिन प्रेम से ले सकता है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, गुरु को ही भूल जाते हैं, गुरु के मिशन को भूल जाते हैं। गुरु ने जो हमको काम दिया यानी गुरु ने जो हमको नाम दिया उसी को भूल जाते हैं। नहीं भूलना चाहिए, दया लेनी है तो ये सब दया के घाट हैं। गुरु से प्रेम करना, गुरु के बताए रास्ते पर चलना, उनकी बातों का अक्षरशः पालन करना, यह दया का स्रोत है, दया का घाट है। तो लोग कहते थे, सुनते थे वो लोग सत्संग में कि गुरु की दया जरूरी होती है। बोले चलो, मानव स्वभाव में रहते हैं, मनुष्य शरीर में संत रहते हैं, जितने भी गुरु आए, जितने भी महापुरुष आए प्रेमियों, देखो मनुष्य शरीर में ही रहे तो मनुष्य शरीर में रहने के नाते मनुष्य जैसा ही व्यवहार लोगों का रहा है। तो आप ये समझो उसी तरह का अन्न जल जब इस काल के देश में खाए रहे तो
तो समझो कि उसी तरह से उनको भी रहना पड़ा जैसे लोग रहते हैं, वातावरण रहता है जहाँ का, तो जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं। अब आप ये समझो ब्रह्मियों कि मनुष्य ही बहुत से लोग मानने लग जाते हैं उनकी बातों को सुन करके, उनके व्यवहार को सुन करके। बहुत से जो जीव होते हैं, कर्मी जीव होते हैं, मनमुख होते हैं, गुरुभक्त तो कहेंगे, गुरुमुख तो कहेंगे अपने, लेकिन मनमुखता आ जाती है उनमें, तो मनमुख हो जाते हैं, मनमुख तो छोड़ करके भाग जाते हैं, साथ ही छोड़ देते हैं, विरोध भी करने लगते हैं। तो आपको इन बातों को इसलिए याद दिला रहा हूँ, ये काल और माया का देश है, उधर मन ज़्यादा जाएगा, इसलिए तुरंत निर्णय किसी बात का नहीं लेना चाहिए, मन जो कहे उसी को नहीं कर डालना चाहिए। तो पहुँचे गुरु जी के पास, बोले गुरु जी हम लोगों को ऊपर दया नहीं हो रही, गुरु जी दया करो दया करो। कहने से दया नहीं होती, जैसा आपको बताया कि दया के घाट पर बैठो, जैसे आपको बताया गया गुरु महाराज बराबर बताते रहे कि मन को रोक करके करो, मन नहीं रुकेगा तो उड़ो, मन ना ही दस बीस, एक ही मन है, जिधर जाएगा वहीं तो जाएगा, जो चीज़ आप सोचोगे मन वहीं तो रहेगा। मन की बड़ी गति है, मन की बड़ी चाल है, मन यानी समझो कि बहुत ही बलवान है, शरीर का पूरा ताकत यानी समझो मन के पास है, शरीर का कहीं भी ले जाए कुछ भी करावे, तो मन ये कही तो मन को लगाओ, जहाँ मन लगाओगे वहीं काम होगा। बच्चों को कहते हैं बच्चों देखो मन लगा के पढ़ो, देखो मन इधर लगाओ जो मैं बता रहा हूँ सुनो। तो गुरु जी ने कहा, गुरु जी से बोले गुरु जी दया नहीं कर रहे हो, हम लोगों पर भी दया कर दो, गुरु जी दया कर दो। तो गुरु जी नहीं बोले, फिर बैठने तो लगे, जो नहीं भी बैठते थे वो भी बैठने लगे ध्यान भजन में, लेकिन वही मन वाली बात, मन नहीं रुकता था, मन नहीं रुकता था। कुछ लोग नहीं भी बैठे क्योंकि मन जल्दी बैठने नहीं देता है, जिन चीज़ों की तरफ मन लग जाता है, जैसे हमारे आश्रम पर ही कुछ लोग रहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम मन में सोचते हैं कि सेवा करके ही हम पार हो जाएंगे, तो गुरु की दया हो जाए आपके ऊपर और आपको पार कर दें, लेकिन करना भी जरूरी है, यह भी जरूरी है। जैसे नाश्ता करना जरूरी कहते हो, खाना खाना जरूरी होता है, ऐसे ही यानी यह भी जरूरी है, नाश्ता ही आदमी करता रहे तो भोजन की आपूर्ति कैसे हो पाएगी, आंतें सिकुड़ जाएंगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, शरीर को तत्व नहीं मिलेंगे, तो भोजन करना भी जरूरी होता है। तो इसलिए यानी समझो ये जरूरी चीज़ है। तो आप ये समझो कि उसमें कुछ लोग बैठे, जैसे मैंने बताया कि अंकुरित जीव होते हैं, अलग अलग योनियों आए हुए मनुष्य शरीर में जीव होते हैं, तो जो यानी समझो कि गाय और बैल की योनि से आए हुए मनुष्य शरीर वाले लोग होते हैं, उन पर ज़्यादा असर पड़ता है बातों का, तो वो लोग तो बैठने लगे, लेकिन बाकी जो ऐसे वैसे जीव थे या कर्मी थे गुरु जी के पास गए हुए थे, तो कहते हैं भानमती का कुनबा जोड़ा, यानी समझो कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, संतों के पास तो हर तरह के जीव आते हैं, जगह जगह के होते हैं, तो कुछ लोग नहीं भी बैठे। तो अब आप ये समझो कि जो बैठने लगे उनको तो थोड़ी सी मिली शांति, थोड़ी सी मिली, आप ये समझो जैसे आप बैठते हो तो शांति मिल जाती है। अब ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका कुछ भजन ध्यान नहीं बनता है,
लेकिन मन लग गया है कि घंटी बजी है, ध्यान में जाना है, भजन में जाना है, तो आते हैं यहाँ। यह स्थान गुरु महाराज का, और यहाँ पर जो है ये जो हाल बना हुआ है इसमें रोज सुबह शाम ध्यान भजन होता है। लेकिन हमने देखा कि कुछ लोग बराबर आते हैं, न भी ध्यान में कुछ दिखाई पड़े न भी सुनाई पड़े, लेकिन उनका मन बन गया है और मन लग गया है ध्यान और भजन में, जाना ही जाना है। लेकिन जब आदमी बैठता है, देखो बैठते हो तो अलग भाव, अलग शरीर की चंचलता रहती है, लेकिन जब उठता है दो घंटा डेढ़ घंटा बैठने के बाद, तब दूसरे भाव हो जाते हैं, दूसरी सोच हो जाती है, दूसरे तरह का यानी शरीर का ये अंग हो जाता है। तो अब आप पे समझो कि उनको तो थोड़ी शांति मिलने लगी जो बैठने लगे, लेकिन कुछ लोग तो नहीं बैठे। तब वो लोग फिर गए गुरुजी के पास, बोले गुरुजी यानी समझो दया नहीं कर रहे हो, दया नहीं कर रहे हो, दया नहीं कर रहे, दया करो। तो बोले अच्छा देखो यहाँ कहीं भांग मिलेगा, भांग? बोले गुरुजी मिलेगा। अब उसमें एक दो लोग जो बैठने वाले थे, ध्यान ध्यान करने वाले थे, अच्छे लोग थे, वो सोचने लगे भाई गुरुजी तो नशा के लिए मना करते हैं, वो तो कहते हैं अंदर में जो नशा है कभी नहीं ख़त्म होता है, यानी उस नशे को एक बार पी लोगे तो उसका नशा कभी उतरेगा नहीं, और ये भांग का नशा, शराब का नशा, अफीम, हीरोइन, टाड़ी का नशा, ये गुरुजी कहते हैं कि उतर जाता है। बात तो सही है, रात को कोई भांग पी ले सुबह उतर जाएगा, लेकिन जो अंदर का नशा है एक बार अगर आ गया, भजन का नशा अगर आ गया तो कभी नहीं ख़त्म होता है, जल्दी नहीं ख़त्म होता है। तो आप ये समझो नशा ही तो है, जैसे आप ये समझो भोजन का नशा होता है, जैसे आप देखो ये बीड़ी तंबाकू वाले होते हैं भी नशा होता है। तो आप ये समझो नशा ऐसे अंदर का होता है, एक नशा है ये, जब अंदर में कुछ मिलने लगा, अंदर में सुख मिलने लगा तो वो भी एक नशा सा बन जाता है, उसको करना जरूरी होता है। कहीं भी मौका मिल गया तो वहीं पर आदमी सुमिरन कर लिया, सफर में है तो गुरु महाराज ने तो कहा था ना तुमको मौका मिले तो तुम लेट्रिन जाओ और वहीं पर ध्यान लगा लो, वहीं पर कान में उंगली लगाओ और भजन कर लो। तो उसको एक नशा हो गया कि जब तक नहीं करेंगे, जैसे नशा सेवन करने वाला जब तक नशा सेवन नहीं करता है बेचैनी रहती है, ऐसे ही इसका भी एक नशा हो जाता। सोचने लगे लोग कि भाई गुरुजी भांग को मंगा रहे हैं। बोले महात्माओं के अंदर अंदर गुनाहों करने लगे, महात्माओं की मौज होती है, बातों में रंज होता है, वो कब क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो देखो किस लिए मंगा रहे हैं। मंगाया, बोले ले आओ सिलबट्टा। बोले ये क्या है? बोले भांग है। क्या करता है? नशा करता है। गुरुजी जानते तो सब हैं लेकिन उन्हीं से पूछ रहे हैं। बोले तो कैसे नशा करेगा? बोले इसको बटेंगे और बट करके घोल करके पिएंगे तब नशा करेगा। बोले अच्छा तो बटो। अब क्या पिसाई? तो भांग को जितने घोटते हैं, जितने पीसते हैं, उसमें नशे की ताकत उतना ही ज़्यादा आती है। खूब घोटा लोगों ने। तो बोले अब एक घड़े पानी में इसको भर लो, डाल दो, घोल दिया उसे पूरा, यानी समझो एक घड़ा भर गया भांग के पानी से। तो बोले कि अच्छा तो गिलास ले आओ, एक एक गिलास ले लो सब लोग इसमें से, अब कुल्ली करो। तो मुंह में लिया, लोगों ने कुल्ली कर दिया, मुंह में लिया कुल्ली कर दिया। तो जब कुल्ली कर दिया सब लोगों ने, तब गुरुजी ने कहा कि नशा आया? तो वही लोग हंसे, अरे नशा कैसे आएगा, पिएंगे तब तो नशा आएगा, ये तो पीने से होता है। तब बोले बच्चा
ये जो नाम दिया गया मन तू भजो गुरु का नाम, जो नाम तुमको दिया गया इसको जब भजोगे, जब इसको करोगे तब नशा आएगा। तब देखो जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का, बेला को कोई खबर नहीं है, बेला अपने काम में लगा रहता है, काम भी उसका बड़े आसानी से हो जाता, पता ही नहीं चलता है कि कैसे कर लिया उसने, और वो लीन भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वहाँ भी निकल जाता है, तो करने से होता है। तो प्रेमियों ये जो किया सुमिरन ध्यान और भजन अनिश्रम जो आपकी, इसको करना जरूरी है, असली चीज़ यही है। बाकी एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो तो केवल यही होगा कि लोग कहेंगे कि हाँ ये सत्संग में गए थे, ये सत्संग में जाते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, उसका इनके ऊपर असर पड़ता है, इनका खान पान विचार भावना बदल रही है, ये परोपकारी हो रहे हैं, ये अनिसेवी हो रहे हैं, यही लोग कहेंगे। सम्मान इसी बात का देंगे, किस बात का, जो आपके अंदर बदलाव आएगा, जो आप जा कर के लोगों की सेवा करोगे, जा कर के लोगों को बताओगे, उसी बात का सम्मान मिलेगा आपको, इज्जत मिलेगी, आपको लोग बिठाएंगे, आपको लोग जो है गुड्डो बोलेंगे, लेकिन वो किसको मिलेगा, शरीर को मिलेगा, शरीर को ही तो बिठाते हैं, और शरीर में जो पैर है उसी को तो छूते हैं, शरीर के ऊपर ही तो माला डालते हैं, जब लोग खुश होते हैं तो शरीर को मिलेगा, और शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब ये छूट जाए, क्योंकि इस मृतलोक में जितने भी लोग आए सब लोग शरीर छोड़ करके गए, चाहे जो रहे हों, तो कैसे मान लें कि इस शरीर को ही हम सम्मान दे देंगे तो हमारा काम होता रहेगा। इसलिए असली की जो है मिली है उसको करो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, जय महाराज की दया मेहर हुई। 16
मार्च 2022 को सायंकाल के बेला में आप प्रेमियों का उज्जैन आश्रम पर सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा होती तभी ऐसा अवसर मिलता है, तभी दर्श स्पर्श होता है, तभी मेल मिलाप होता है, तभी प्रेमी प्रेमी से मिल पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बराबर दया प्रभु से मांगते रहना चाहिए, बराबर प्रार्थना करते रहना चाहिए। और जैसे दुनिया की चीज़ों की इच्छा रहती है आदमी की, ऐसे एक इच्छा बना लेनी चाहिए कि हम चलेंगे, प्रेमियों से मिलेंगे, हम सत्संग के दो वचन सुनेंगे, दर्श स्पर्श करेंगे, दर्शन देंगे। ये इच्छा प्रेमियों को बराबर बनाए रखना चाहिए। हालांकि जिस देश में आप रहते हो, काल भगवान का देश है, वो इस चीज़ को नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रेमियों की जो इच्छा होती है, प्रेमियों की जो आवाज़ होती है, उस मालिक तक पहुंच जाती है और फिर वो बुलाने में पहुंचाने में मददगार हो जाते हैं। देखो प्रेमियों, सत्संग आप लोगों को, जो पुराने लोग हो, गुरु महाराज ने खूब सुनाया। गुरु महाराज के जाने के बाद भी बराबर जगह जगह पर सत्संग होता रहा। यहाँ उज्जैन आश्रम पर भी बराबर सत्संग सुनाया जाता रहा। बहुत सारी बातों की जानकारी आप लोगों को कराई गई। अब यह ज़रूर है कि ताज़ा हो जाए और वो बातें भूलने न पाएं, और जो भूल गई हैं वो बातें याद आ जाएं, उसके लिए इसी मेल मिलाप में आप लोगों को एक दूसरे के पास बैठना चाहिए। आपके ज़िला के लोग, आपके प्रांत के लोग, जहाँ पर आप ठहरे हो, देखो कि ये अच्छी बात बता सकते हैं, वहाँ बैठ जाओ। आप जो बता सकते हो, याद करा सकते हो, आप वहाँ बैठ जाओ और लोगों को समझाओ, लोगों को याद कराओ। बच्चियाँ बच्चियों के पास, माताएं माताओं के पास, और आप लोग प्रेमी प्रेमियों के पास बैठ करके बातों को सुनो। देखो, गुरु महाराज के समय की बात है, 400 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। गुरु महाराज हमको बाहर भेजते थे संगतों में सत्संग सुनाने के लिए, प्रचार के लिए। तो उत्तर प्रदेश में, उधर मैं बुंदेलखंड की तरफ चला गया था, उधर भेजा था गुरु महाराज। तो शाम को जब सत्संग समाप्त हो गया तो वहाँ पर लोग सत्संग की ही बातें करते रहे। और एक ठाकुर साहब थे वहीं पर, तो उनको बहुत बातें याद थीं। हमने उनसे कहा भी कि आपको बहुत बातें याद हैं, बोले हमारा मन लग गया जानने के लिए, समझने के लिए। शुरू में संत मत को समझने के लिए इच्छा हमारी जग गई, तो हम गुरु महाराज के सत्संग को बहुत यानी ध्यान से सुनते थे। और जैसे कागज में नोट किया जाता है, ऐसे दिल दिमाग में हम उसको नोट कर लेते थे। विद्यार्थी होते हैं, उनको मास्टर जी लोग पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी उनकी बातों को सुनते रहते हैं ऐसे, और याद करते रहते हैं, और वो उनके दिमाग में नोट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगन रहती है कि हम याद कर लें और ये बातें हमारे काम आएंगी। परीक्षा में इन्हीं को हम, जो सवाल आएगा उसके जवाब में लिख देंगे तो हमको अच्छा नंबर मिल जाएगा, इसलिए वो याद कर लेते हैं। एक आध लड़के ऐसे भी रहे हमारे जानकारी में कि जो नोट बनाते ही नहीं थे, यानी लिखते नहीं थे कॉपी पर, याद कर लेते थे और किताब पढ़ लेते थे और अच्छा नंबर लाते थे ऐसे भी।
तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि यह एक स्कूल जैसा है। स्कूल में देखो, अच्छे स्कूल में जब लोग अपने बच्चों की भर्ती करा देते हैं तो वे बच्चे जो कम यानी थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, मतलब कम जानकार होते हैं यानी उतना जानकार नहीं होते हैं, वो भी मेहनत करते हैं और उनको भी हर तरह की जानकारी हो जाती है। तो आप लोगों के पास समय है, जैसे घर पे यानी समझो कि आप बच्चियों भोजन बनाती थी, यहाँ देखो भोजन भी नहीं बनाना है, वो भी समय आपके पास है। भोजन बनाने वाले अलग हैं, भंडारे चल रहे हैं, जो घर का काम था आपका उसको भी आपको नहीं करना है और लगभग तैयारी यहाँ की पूरी हो गई है, तो आप इसी काम में लगो। देखो बता तो दिया जाता है कि सुमिरन ध्यान और भजन ये सार चीज है, असली चीज ये है, इसको पकड़ो और इसी से आपका काम होगा। लेकिन आप उस चीज को भूल जाते हो। आप जब यहाँ रहते हो, सत्संग सुनते हो या कोई सुनता है तो इच्छा तो जगती है, लेकिन इच्छा वो थोड़े समय के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब एकदम से आपके दिल दिमाग में ये बात आ जाएगी कि भाई बगैर भजन किए हुए काम बनने वाला नहीं है, मनुष्य शरीर ये किराए के मकान की तरह से है, एक दिन इसको छोड़ देना पड़ेगा, जब इस चीज की जानकारी हो जाएगी, और जब इस चीज की जानकारी हो जाएगी कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं, तब आप उस चीज का अध्ययन करने लगोगे, उस चीज को देखोगे, उसकी परीक्षा लोगे कि लाओ देखा जाए एक बार कि बीमारी में, तकलीफ में, मुसीबत में कौन किसके काम आता है। तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्वार्थ ला करण सब प्रीति, सुर नरमुन शक्ति है रीति। तब आप भजन करने लगोगे, तब आप इसमें समय निकालने लगोगे। जब अनि ये पता चल जाएगा कि इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं ये कोई भी अपने काम आने वाली नहीं है, ये सब यहीं छूट जाने वाली चीज़ है। बड़े बड़े लोग आए, महल बनाए, अटारियाँ बनवाई, राजपाट यानी अपना बढ़ाया, लेकिन सब छोड़कर चले गए। जब इस चीज़ की जानकारी होगी और दिल दिमाग में जब ये चीज़ बैठ जाएगी, हमेशा जब ये चीज़ याद रहेगी, तब आप ये सोचते रहोगे कि मेरे जाने के बाद ये मकान दूसरे का होगा, हमारे काम तो आने वाला नहीं है, और नहीं तो टूट कर मेहनत करते हो उसी मकान को सुंदर बनाने में, शरीर से गलत काम भी कर बैठते हो, लोगों का दिल भी दुखा देते हो, धन को इकट्ठा करने में आप क्या क्या कर्तव्य कर बैठते हो, तब उधर से मन हट जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को दिमाग में बैठाते रहना चाहिए। जब भी साप्ताहिक सत्संग हो, जब भी कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, किसी भी वक्ता का हो, प्रेमी का हो, इस तरह का कार्यक्रम हो, तो वहाँ पर इन चीज़ों को यानी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और जो जानकार लोग हो, आपको जिनको याद हैं बातें सत्संग की, आप लोगों को बताना चाहिए। यहाँ पर देखो यानी भाव भक्ति का माहौल रहता है, आप उसी तरह की बातें करो एक दूसरे से, जिससे यानी अंदर में आपके जागृति आ जाए। किस बात की जागृति, किस बात की इच्छा जग जाए, उस प्रभु के पाने की, उस मालिक के पाने की, जो सबका सृजनहार है, सब वही करता है, वो अगर आपको मिल जाए तो ये दुनिया की जो अनंत इच्छाएं हैं ये सब बहुत कम हो जाएंगी। उतनी ही इच्छा यानी आपके अंदर रह जाएगी कि हम कमा करके यानी अपना पेट भर लें, तन ढकने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लें, गर्मी ठंडी बरसात से बचत के लिए यानी शरीर को बचाने के लिए घर बना लें, जो हमसे आश्रित बच्चे हैं, परिवार हैं, माता पिता हैं, उनकी हम सेवा कर लें,
बाकी समय आप प्रभु के दर्शन में, प्रभु के पाने में फिर लगाने लगोगे। देखो प्रेमियों, अब आपको समझने की जरूरत है, आते हैं महापुरुष उस नाम के साथ, उनकी जो यानी एक दया है समझ लो वो जुड़ जाती है, और उसी नाम से भी पुकारने पर, उसी नाम से याद करने पर, सच्चे दिल से जो याद करता है उनको, उसको मिलते भी हैं, दिखाई भी पड़ते हैं। अब भी देखो जय गुरुदेव नाम बोलने पर कभी कभी गुरु महाराज लोगों को दर्शन दे देते हैं, मुसीबत में बोलने पर आवाज़ उनकी सुनाई पड़ जाती है, आश्रम जो मुसीबत में बोलने पर मददगार साबित हो जाते हैं। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज तो चले गए लेकिन जय गुरुदेव नाम में अभी शक्ति है, ताकत है। मुसीबत में कोई भी बोलेगा जय गुरुदेव नाम तो उसको फायदा दिखाई पड़ेगा। इस चीज़ को आप जितने भी पुराने प्रेमी हो, नए प्रेमियों को खूब ठीक से समझा दो। और आप इतने लोग बैठे हो, अभी पूछा जाए कि चमत्कार कितने लोगों को हुआ, तो आप कई लोग हाथ उठाओगे कि जय गुरुदेव नाम बोलने से चमत्कार हुआ, जो नहीं होने को था वो हमको हुआ, हमारी जान बच गई, माल बच गया, हमको संतुष्टि मिल गई, संतोष हो गया, बहुत सारी बातें तरह तरह की आप बताओगे। सब बातों को लोगों को बताना चाहिए। देखो जितने लोग बैठे हो, सब लोग न तो सत्संग सुना सकते हो और न ठीक से अपनी बात एक दूसरे के सामने आध्यात्म की, सत्संग की सारी बात रख सकते हो, लेकिन इन बातों को तो लोगों को बता ही सकते हो कि भाई मेरे जीवन में ऐसा हुआ, जय गुरुदेव नाम में बोला, ये सब बातें तो एक दूसरे को बता ही सकते हो। तो देखो इन बातों को बताने से लोगों के अंदर भी इच्छा जगती है कि लाओ हम भी आदत डालें, हम भी बोलें। जैसे नाम ध्वनि ही लोगों को बताया गया बोलने के लिए, नाम ध्वनि बोलने लग गए, उससे लोगों के घर की तकलीफ बटी, बाधाएँ हटी, जो भी जैसे फायदा हुआ उस चीज़ को तो आप बता ही सकते हो। अपने तक अगर रखोगे तो आप ये समझो आपके साथ वो चीज़ चली जाएगी, आप दूसरे की मदद नहीं कर सकते हो। देखो डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं, दवा लेने के लिए जाते हैं, और दवा फायदा कर जाती है तो चार लोगों को और बताते हैं कि भाई हमको भी बीमारी इसी तरह की थी, हमको ये तकलीफ थी, वहाँ से दवा लिया था तो हमको फायदा हो गया, तो उसकी भी इच्छा जग जाती है कि चल करके वहाँ से हम दवा ले लें, हमको भी फायदा हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ भी बताओ, और यहाँ से जाने के बाद भी लोगों को जय गुरुदेव नाम के बारे में बताना। और आप जो एकदम नए लोग आए हो, ध्वनि कैसे बोलते हैं, मुसीबत में कैसे बोलते हैं, पूरा विस्तार से आप पुराने लोगों से यही जान लो। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।